श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास में मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी सावन में शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव शीघ्र अति शीघ्र उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। कहा जाता है शिव महापुराण का यदि कोई सुनने का भी एक बार संकल्प ले लेता है कि मैं शिव महापुराण की कथा सुनूंगा या सुनूंगी, तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भगत की इच्छा पूरी करते हैं। तब सुनने के बाद तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे, पर पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही शिव महापुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा और कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षय या अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा और सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं और कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कलप भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते हैं। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरिनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम समय देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात, उस अवस्था में वीरिनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिनी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक
पुष्पन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की, उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरिनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने यहाँ आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त प्रजा का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित हो दक्ष प्रजापति तथा रेणी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों और ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही सारी दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में बड़े ही मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्नि शालाओं की जलती हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ मंगलमय हो गया। वीरिनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई। देख, दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगदम्बा शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिसमें माता वीरिनी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव अवस्था प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। आसिकिनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक और विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले थे। वीरिनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विजशेष बाल्य अवस्था में भी समस्त उत्तम उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थानु हर और रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, राधे राधे जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।